भूतों प्रेतों की अनोखी अदालत। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मनोज वल्द लाता प्रसाद निवासी मदन पट्टी हाजिर हो, अमरेश हाजिर हो, सीता हाजिर हो। ये अदृश्य पुकार मिर्जापुर जन पद में मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग पर स्थित बीएचयू दक्षिणी परिसर के पास बलहरा गांव स्थित मोहन बरम बाबा के धाम में आते ही इंसान झूमने लगते हैं। ये आवाज नवरात्र में लगातार गूंजती रहती है। जी हाँ, यहाँ लगती भूतों की अदालत है। ऐसा माना जाता है कि किबरत बाबा की अदालत में हाजिरी लगाने के लिए आने वालों को न्याय जरूर मिलता है। पुजारी पंडित राम नारायण दुबे ने बताया कि प्राचीन समय में लोग चोरी पर आते थे, खुद राहत महसूस करते थे। दूसरे पुजारी रमाकांत बताते हैं कि बाबा के हर दर पर हाजिरी लगाते ही शुरू हो जाती है भूतों की अदालत। इसमें तमाम जनपदों से लोग आते हैं, उनके साथ आते हैं भूत, जो बाबा के चोरी के पास पहुंचते ही खेलने लगते हैं। पुजारी रमाकांत बताते हैं कि मामूली भूत तो बाबा की अदालत में आने के बाद मामूली फटकार से ही कान पकड़कर उठक बैठक कर भाग जाते हैं। पंडित राम नारायण दुबे बताते हैं कि इंसान के साथ रहकर शातिर बन चुके भूतों को कठोर दंड दिया जाता है। चोरी के पास बने कुंड में भूतों को बाबा के दंडाधिकारी सबक सिखाते हैं। जब तक वह तौबा नहीं कर लेता, उसको इस कदर सबक सिखाया जाता है कि उसे अंततः भागना ही पड़ता है। सियालदा से आए कैल्टू घोष ने बताया कि मेरी बहन को मानसिक बीमारी है, काफी इलाज कराया ठीक नहीं हुई, इसलिए इस बार इस दरबार में लाया हूँ। बड़ा नाम सुना था, इलाज के बाद वो कुछ बता पाऊंगा। बिहार से आए विमल यादव बताते हैं कि उनकी पत्नी को रह रहकर दौरा पड़ता है। लोगों ने यहाँ के बारे में बताया कि नवरात्रि में मेला लगता है तो अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ। बिहार से आए विमल यादव बताते हैं कि उनकी पत्नी को रह रहकर दौरा पड़ता है। लोगों ने यहाँ के बारे में बताया है कि नवरात्रि का मेला लगता है, जो अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ। यही नहीं, बलिया से आई मुन्नी भी देवी को इतना विश्वास है कि उनकी बेटी एक साल पहले यहाँ आई थी नवरात्र में, अब वो बहुत हद तक ठीक हो गई है, उसके ऊपर का प्रेत भाग गया है। अदालत में पुराने जटिल मामलों का त्वरित निस्तारण किए जाने से फरियादियों की अदालत में नवरात्र में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। सूचना क्रांति के दौर में लोग भले ही अंतरिक्ष चांद सितारों पर घर बसाने की सोच रहे हों, लेकिन अंधविश्वास अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज भी भूतों की अदालत लगती है, और जहां हर नवरात्र में आने के बाद कई लोग राहत महसूस करते हैं, समाज का एक तबका रोगों से लड़ने में अपने आप को हताश पाकर इस अदालत से राहत महसूस करता है। बीएचयू के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि मैंने ऐसे जगहों पर दौरा किया है, दरअसल हमारा विज्ञान गाँव तक नहीं पहुँचा है, जिसका नतीजा है कि लोग ऐसे कल्चर पर विश्वास करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी, आशा करते कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, ताकि ऐसी ढेर सारी मनोरंजक कहानियाँ और जानकारियाँ हम आप तक लाते रहें सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।